गाइस, आज हम गांव के स्टाइल में सब्जी बना रहे हैं आलू चने की। उसके लिए सबसे पहले हमें एक जार लेना है, उसमें हम डालेंगे प्याज, मिर्ची और ये लहसुन, ये सब डाल देंगे। और इसमें मसाले हम डालेंगे हल्दी, धनिया, मिर्चा, जीरा और गरम मसाला। इन सबको हम एक साथ डाल देंगे और बस हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हमें गैस ऑन करके कुकर चढ़ाना है। अब हम इसमें डालेंगे तेल, और ये देखिए हमने मसाला तैयार करके रखा है, जो पीसा भी हमने। हमारा तेल गर्म हो चुका है, मसाला डालेंगे हम। धीरे से डालेंगे पहले हम, हम इसे अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए। मसाला अच्छे से भून जाएगा तो तेल छोड़ेगा, आपको तेल दिखने लगेगा। तब तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है धीमी आँच पे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और मसाला भी हमारा पक रहा है। अभी इसे और भूनना है, अभी ये पका नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें तेल ऊपर ऊपर दिख रहा है, पर अभी हमें इसे और भूनना है थोड़ा। ये देखिए, और खुशबू जैसे ही भूनने अच्छा अच्छा भुनेगा ना, भुनता जाएगा, खुशबू इसकी अच्छी और आती जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, भुन चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखिए, इसका तेल भी अच्छी तरीके से ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। इसे हम 5 मिनट तक धीमी आँच पे भून लेंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाए। हमारा टमाटर पक चुका है और इसमें सब्जी डालेंगे। एक आलू मैंने बड़ा काट लिया है और एक कटोरी में चना डाल रही हूँ मैं। और इसे अच्छे तरीके से मिला के 2 से 3 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। और इसमें नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार, अच्छी तरीके से मिला देंगे। बस अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसे 1 सीटी तक बस पकाना है। सिर्फ 1 सीटी आएगी, हमें गैस बंद कर देना है। ये फ्रेंड्स, सीटी खुल चुकी है। वाओ, ये देखिए सब्जी कितनी अच्छी बनी है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी है खाने में। ज़रूर एक बार ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।